जुले नमस्कार और सलाम। मैं आपको एक अपडेट दूं कि मैं अभी हाउस अरेस्ट में हूं। आई एम अंडर हाउस अरेस्ट, एक्चुअली वर्स देन हाउस अरेस्ट। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले ये कहूं कि मैं सब लोगों को जिन्होंने कल 26 जनवरी को अनशन किया और लद्दाख के जलवायु और लोगों और संस्कृति की संरक्षण है उसके मत में अलग अलग जगहों से अनशन किया गया एक दिन का। आप देख सकते हैं दूर दराज के गांव में लोग जाके पहाड़ों पर बर्फ़ में सोने लगे अपना समर्थन जताने के लिए, और दूसरी तरफ लोग अलग अलग धर्मों के लेह में, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, सब जगह पे लोगों ने अनशन की और पूजा की कि हमारी ये जो मांगे हैं लद्दाख के संरक्षण की वो भारत के प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे और वो उस पर कुछ कार्यवाही करे। लद्दाख में ही नहीं, पूरे भारत से समाचार आए, अलग अलग जगहों पे लोगों ने कहीं अनशन, कहीं पूजा की और बाहर सोए। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना साथ दिया। जी हां, तो मैं हाउस अरेस्ट में किस तरह हूं और उससे बदतर क्यों हैं। अब हाउस अरेस्ट हो तो फिर आपको सब साफ होता है, फिर उसी हिसाब से आपको कानूनी सलाह लेने की आज़ादी होती है या फिर उतना ही सिंपथी सपोर्ट होता है। मगर यहाँ ऐसा हालत है कि कहने को मेरी हिफाजत के लिए मुझे हयाल हमारे इंस्टीट्यूट में सीमित किया गया है, मगर मेरा मूवमेंट, मेरा आना जाना सब रिस्ट्रिक्ट किया गया है। पुलिस की बहुत भारी प्रेजेंस है यहाँ पर। हुआ ऐसे कि जब मैंने घोषणा की थी कि मैं खारदोंगला पर अनशन करूँगा, तब मैंने सत्कार के भाव से, वरना ज़रूरत नहीं होती है, तो मैंने फिर भी प्रशासन से एक अनुमति सा सूचित करते हुए कहा। और कई दिनों बाद आखिरी दिन में उनका एक पत्र आया कि खारदोंगला पर बहुत खतरा है, बहुत ठंड है, जानवर हैं वगैरह वगैरह, कॉक एंड बुल स्टोरी जैसा, और आपको अपने विद्यालय यहाँ हयाल में करना चाहिए। तो मैंने ठीक है सोचा, अगर उनको इतनी मेरी हिफाजत की चिंता हो, मगर ऐसा कुछ हिफाजत की चिंता नहीं है। मैंने एसपी साहब को बताया भी कि अगर खारदोंगला टॉप पर आपको कुछ खतरा लगता है तो मैं बेस पर करूँगा जो कि थोड़ा नीचे है, और वहाँ पर सारे सुरक्षा और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं। मगर उन्होंने ठीक यही हयाल इंस्टीट्यूट, जो कि ले शहर से काफ़ी दूर है, वहीं पर रहने को कहा। कहीं भी हो सकता था, ले में भी हो सकता था, वहाँ कोई -40 डिग्री नहीं है। मगर फिर भी मैंने क्या देखा कि 26 जनवरी को जब सुबह बहुत जल्दी 4-5 बजे ही यहाँ पर पुलिस के आवाज़ें सुनाई दी, बस भर के पुलिस, गाड़ियाँ पुलिस की, और मैं थोड़ा हैरान सा हुआ कि ये इतना क्यों हो रहा है। फिर सोचा कुछ इनकी अपने तरीके होंगे। बाद में मैंने पुलिस के एक अफसर से पूछा कि ये किस लिए है, मुझे भी बता दीजिए कि क्या है इसका मकसद, क्या मुझे रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा या मेरी हिफाजत के लिए। तो वो बहुत ज़ोर से बोलने लगे, नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ आपकी हिफाजत, आप इतने बड़े शख्सियत हैं, आपको हम पूरे हिफाजत से रखना चाहते हैं। उसी तरह हमने एक SHO साहब से फ़ोन करके पूछा और साफ कि क्या ये हमारा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करना के लिए है, हम कहीं आ जा नहीं सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके सुरक्षा के लिए है। तो मैंने सोचा कि सुरक्षा के लिए है तो कोई खास सीरियस बात नहीं है। तो उसी समय मुझे लेह में जो चोखंग विहारा है, बहुत बड़ा मंदिर है बौद्ध धर्म का, सबसे बड़ा, सबसे पवित्र, तो वहाँ पर अनशन कर रहे थे सभी लद्दाख के लोग एक दिन का, इस 6th शेड्यूल के मांग के समर्थन में, जिसका अनशन मैंने शुरू किया था।
तो वहां से आई संदेश कि आप यहाँ आइएगा, लोग आपका उम्मीद कर रहे हैं, आप इतना कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं जा सकता हूँ। मैं यहाँ से उस मंदिर परिसर में गया और लोगों के साथ पूजा में बैठा 1-2 घंटे। और उसके बाद जब वो खत्म हुआ पूजा, लगभग 9:30-10 बजे लोग चले गए। और उसके बाद फिर पुलिस के 6-7 कर्मी आके पहले तो मुझसे बहुत विनती करने लगे कि आप ऐसा कैसे आ गए यहाँ पर, वहाँ आपके जो कैंपस में सुरक्षा बल है उनकी तो नौकरी चली जाएगी, हम पे तो बहुत दबाव है, आप चलिए। और फिर धीरे धीरे वो खींचने लगे, धक्के दे के लेने लगे। और यहाँ तक कि उस परिसर का दरवाज़ा बंद था, ताला लगा था, तो वो मुझे दीवार के ऊपर उठाकर, कई लोगों ने उठाकर फांद के धकेल के ले गए। देखने की बात ये थी कि 26 जनवरी जिस दिन हमने संविधान अपनाया, उसी दिन इन सारे नियम कानूनों का हनन हो रहा था, चिथड़े चिथड़े हो रहे थे। पुलिस के जवान बहुत ही विवश और मजबूर नजर आ रहे थे, क्योंकि वो ऊपर के दबाव के कारण सही गलत सब उनको करना पड़ रहा था, वो खुद बहुत परेशान थे। तो मेरी तो सहानुभूति है उनसे, मगर जो सिस्टम है उसके कारण पुलिस को मिसयूज किया जा रहा था। अब मेरी हिफाजत, मेरी सुरक्षा ऐसी कैसी कि जिसमें मेरी ही जान जा सकती थी, तो उनके उनका सुरक्षा का कोई परवाह नहीं था। बस उनको ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स थे कि किसी भी हालत में इनको यहीं लाना है। सोचता हूं तो पता लगता है कि ये मेरे सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि प्रशासन की, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मेरी आवाज रिस्ट्रिक्टेड रहे यहाँ कैंपस में, जो कि ले से काफी दूर है, क्योंकि सुरक्षा उनको उनके सरकार की चाहिए, जिसकी नाकामियां वो छुपाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इसको हाईलाइट हो जाए दुनिया में, यूटी प्रशासन की नाकामियां। अब मैं आपको मजबूर होकर बताना चाहूंगा, अभी तक नहीं बताया, कि लद्दाख में यूटी की क्या हालत है। 3 साल से जो यूटी प्रशासन है वो बहुत ही नाकाम रही है। हर आदमी आप अगर देखें तो दुखी है, युवा दुखी हैं कि उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। 12,000 नौकरियों की वादा किया गया था, अभी 800 की कुछ निकले हैं, वो भी पुलिस में, यानी कि लोगों का दमन करने के लिए, क्योंकि इतने अब जुलूस हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ लोगों में डर है कि उनकी ज़मीनें अब उनके हाथ में नहीं हैं, पॉलिसीज किसी भी चीज़ पे नहीं बनी हैं। मतलब 3 साल में कुछ भी यूटी में लगभग नहीं हुआ है। हाँ, फंड्स बहुत बड़े यूटी के, बहुत बड़े, 6,000 करोड़ का फंड है ऐसा कहा जाता है, मगर इतना ढीला ढाला प्रशासन है कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा तो वापस चला जाता है लैप्स होके। हालांकि कहा गया था कि लद्दाख का बजट नॉन लैप्सेबल होगा। अब ये 6,000 करोड़ एक आदमी के डिसीजन पर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के, वो जहां भी खर्च करें। लोगों का इसमें कोई भागीदारी नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं। एक हिल काउंसिल यहां पर है लेह में, एक कारगिल में एक, उनको मिलता है कोई 500 करोड़, यानी कि 8-9% जो बजट का है वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि फैसला करते हैं, बाकी 92% पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना मनमानी करते हैं, मैं तो कहूंगा, क्योंकि ये पैसे जब खर्च नहीं हो रहे हैं तो वापस जा रहा है, इससे लोग बहुत परेशान हैं। जब यूटी को 3 साल हुए तो एक सर्वे किया गया था, जिसमें लोगों से पूछा गया, आप यूटी सरकार के 3 साल के काम को 5 में से कितने नंबर देंगे। 95% से ऊपर लोगों ने 1 या 0 दिया। तो ये हालत है लोगों के जुबानी। इसको छुपाने के लिए वो भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि मेरी आवाज़ को रोका जाए। और 6th शेड्यूल, जो कि एक जायज मांग है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो इसके विरुद्ध हो। मैंने आपको कहा था बीजेपी के तो ये पहला चुनावी मैनिफेस्टो का मुद्दा है 6th शेड्यूल संरक्षण। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सबके सब इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो फिर ये पॉलिटिकल नहीं है, मगर फिर भी कोई 6th शेड्यूल की आवाज उठाए तो उसे FIR कर दिया जाता है। 1 साल पहले
कुछ पत्रकार जिन्होंने सिक्स शेड्यूल के ऊपर कुछ अप्रूवल दिए सोशल मीडिया पर, उन पर FIR निकाल दिया। कोई प्रोफेसर्स जिन्होंने अपने प्रोफाइल में सिक्स शेड्यूल की मांग का जिक्र किया, उन्हें कहीं का कहीं ट्रांसफ़र कर दिया गया। और यहाँ तक कि एक एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने सिर्फ ये कहा कि अभी तेल और चावल महंगे हो गए हैं, उन पर FIR कर दिया गया। ऐसी मनमर्जी चल रही है। और उससे भी हैरान कुन ये है कि जब उस एंटरप्रेन्योर ने FIR को नकार दिया, उस पर कुछ भी नहीं किया, तो वो FIR हवा में ही ख़त्म हो गया और आज इस साल उन्हें स्टेट अवार्ड दिया गया। तो जो जहाँ जो भी दो अंधेर नगरी बनाना रिपब्लिक सा बन गया है, कहीं FIR निकाल दो डर जाए तो, नहीं तो पुरस्कार दे दो। आज ही का समाचार है अभी अभी कि आइस हॉकी का मैच हो रहा था लेह में, और वहाँ स्टेडियम में कुछ युवाओं ने सिक्स शेड्यूल पुकार कर मांग करना शुरू किया किसी बात पर, और पुलिस ने उन्हें पकड़ कर थाने में ले गए हैं। 3 FIR चल रहा है ऐसा बताया जाता है। तो सिक्स शेड्यूल कहना कहाँ का जुर्म है? ये तो वही सिक्स शेड्यूल है जिसे हर पार्टी ने अपने टॉप मैनिफेस्टो में रखा था, सरकार ने भी। तो ये कैसे मनमर्जी का कानून है, अंधकार का कानून है कि आप सिक्स शेड्यूल कहें तो आपको थाने में ले जाएं। अगर ऐसा ही होता रहा तो बदकिस्मती ये होगी कि लद्दाख जैसे इलाके में, जो कि बहुत ही संवेदनशील है, जहां लोग इतने राष्ट्रभक्त हैं, वो एलिनेट हो जाएंगे और फिर क्या पता मिलिटेंसी तक ना पहुंच जाए, ऐसा मैं डरता हूं। इसलिए मैं तो ये कहूंगा अमित शाह जी से, कृपया आप हस्तक्षेप कीजिए, आप तक बातें नहीं पहुंचती होंगी। ज़मीन पर लोग बहुत दुखी हैं इस यूटी से, जिसके मनमर्जी से लद्दाख एक अंधेर नगरी सा बन गया है। वैसे ही यहाँ मुझे बताया जा रहा है कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, आप अनशन पर हैं, हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं। मगर यहाँ 5 दूर से जो भी यहाँ आते हैं उन पर गाड़ियाँ चेक की जा रही हैं, जो यहाँ आ जाते हैं उनका नाम लिखा जा रहा है। आज ही इंडिया टुडे ग्रुप से एक जर्नलिस्ट का ग्रुप आया था, उन्हें मुश्किल से आने दिया गया और कहा गया कि 30 मिनट ही मिलेंगे आपको। ऐसा कोई नियम कानून है कि जर्नलिस्ट को आप बताएं कि आप 30 मिनट ही मिल सकते हैं? वो बेचारे वापस चले गए क्योंकि 30 मिनट में कुछ नहीं हो सकता था। तो इसी तरह वो काटना चाहते हैं ऐसे हर अवसर को जिससे कि मेरी आवाज़ दुनिया तक पहुंचे और जिससे कि हाईलाइट उनके नाकामियों पर हो। ये बदकिस्मती है, दुर्भाग्य है कि मुझे अब के जो हालात बन गए उसके कारण ये सब बताना पड़ रहा है, क्योंकि मैं ये अवॉइड कर रहा था। मैं तो केवल पर्यावरण और उसके संरक्षण तक अपने आप को सीमित कर रहा था, मगर जिस तरह से उन्होंने मुझे अब एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, मुझे लगता है कि ये आवाज़ आप लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसके लिए आवाज़ उठाएं। भारत एक बनाना रिपब्लिक नहीं है, भारत विश्व का एक सबसे अग्रसर देश है। उसमें एक जो उसका सर का ताज है वो अगर अंधेर नगरी बन जाए तो दुनिया के लिए हम क्या बताने के काबिल रह जाएंगे। बहरहाल मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे विनती करता हूं कि आप भी मेरी आवाज़ को आगे पहुंचाएं, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं, ताकि वो उनका ध्यान लद्दाख पर जाए और ये जो हालात हैं उन्हें ठीक करें। और दूसरी बात जो मैं कहता आया हूं कि वो लद्दाख के नेताओं को तुरंत वार्तालाप के लिए बुलाएं और एक नतीजा कुन फैसला दें लद्दाख के संरक्षण के बारे में, जो कि सिक्स शेड्यूल में निहित है, भारत का संविधान है। तो यूटी प्रशासन का ये चाल है कि मैं खारदुंगला तक नहीं जा पाऊँ और मेरी आवाज़ देश तक, देश के प्रधानमंत्री तक नहीं पहुँच पाए। ऐसे में आप बहुत बड़ा जादू कर सकते हैं, आप इस आवाज़ को इतना बांटिए, फैलाइए, पहुँचाइए मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए कि वो उससे भी ज़्यादा बुलंद जाए, ऐसा आप ही कर सकते हैं। सलाम, नमस्कार और जय हिंद। और जाते जाते आपको एक अपडेट देता जाऊं, आज जब मैंने इस इल्लीगल हाउस अरेस्ट के बारे में और LG साहब के मनमानियों के बारे में स्टेटमेंट्स देना शुरू किया, तो आज दोपहर में एक अधिकारी
मेरे पास भेजे जाते हैं, उन्होंने मुझे ये कागज़ थमाया जो कि एक एग्रीमेंट है और एक बॉन्ड भी है पैसे के साथ। अब देखिएगा वो क्या कहते हैं, इस पे मुझे साइन करना है। दैट आई अंडरटेक दैट आई विल नॉट मेक एनी कमेंट्स और इश्यू स्टेटमेंट्स और मेक पब्लिक स्पीचेस, होल्ड पार्टिसिपेट इन पब्लिक असेंबलीज, एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू रीसेंट इवेंट्स इन ले डिस्ट्रिक्ट एट प्रेजेंट टाइम, सिंस इट हैज़ पोटेंशियल फॉर एंडेंजरिंग पीस। और आगे जाके कहते हैं कि दैट द सिम्बॉलिक फास्टिंग इफ एनी विल बी हेल्ड विद इन द हयाल कैंपस ओनली, और मेरा सिग्नेचर चाहते हैं, यानी कि मैं अपने हाथों आर्टिकल 19 के जो मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया जाता है, वो उनके हवाले करूं, मैं अपने आप को अधिकारों से वंचित करूं। और फिर उसके ऊपर वो चाहते हैं कि मैं 40 और 10, 50 हज़ार का पैसा भी भरूं, बॉन्ड भी। तो मैंने उन अधिकारी साहब से कहा कि अगर मैं इस पे सिग्नेचर नहीं करता हूं तो क्या होगा? तो वो बोले तो आपका डिटेंशन हो सकता है। तो मैंने कहा ये तो सबसे अच्छी बात होगी, मैं तो खुशी खुशी आपके जेल में जाना चाहूंगा। अरे साहब, जो आदमी खारदुंगला के -40 में मरने से नहीं डरा, वो आपके डिटेंशन से डरेगा। और उससे भी ताज़ा अपडेट आपको एक दूं जो मुझे अभी अभी मिला, रात को कोई 9 बजे इस एग्रीमेंट पर साइन करने को बाध्य करने के लिए हमारे स्कूल के 3 मासूम युवा शिक्षकों को, जिनका कोई दोष नहीं है, थाने ले गए हैं और उनको सताया जा रहा है, ताकि उनको बचाने के लिए मैं ये साइन करूं। तो ये हथकंडे हमारे एलजी साहब अपना रहे हैं यूटी प्रशासन को चलाने के लिए। एलजी साहब, इस दर पर तो मैं कहूँगा आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लद्दाख जैसे शांत क्षेत्र में भी मिलिटेंसी का बीज बोने के लिए। जिस तरह आपने नौजवानों को बेरोजगार रखा है, फिर उन पर एक के बाद एक जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है, मगर याद रखिएगा हम आपको कामयाब नहीं होने देंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, आज मजबूर हूँ, सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसा कहूँगा, कि इस यूटी, आज के यूटी से तो हम जम्मू कश्मीर में ही बेहतर थे, मगर ये भी बताऊँ कि कल का यूटी मुझे उम्मीद है कि बहुत ही सुनहरा यूटी लद्दाख होगा। और एलजी साहब, आपको ये भी बता दूँ कि इस ईगो वॉर में आपने मुझे हाउस अरेस्ट में तो रखा है, आपने 20-15 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए हैं, आपको ये ख्याल है कि ये पुलिस के नौजवान कितने पिस रहे हैं? ये 3 रातों से -20 में इधर चक्कर लगा रहे हैं, बिना किसी टेंट के, बिना किसी हीटिंग के। उनका मिसयूज सोच सकते हैं तो उनका वेलफेयर भी थोड़ा बहुत सोचते, उनको कोई तंबू, टेंट, हीटर दे देते तो आपका बहुत मेहरबानी होता। धन्यवाद।